एवरीवन, आज हम उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 का पेपर डिस्कस करते हैं। बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है, यह एक उदाहरण है प्रेक्षण अधिगम का। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती हैं उनके निदान के बाद डैश चाहिए समुचित उपचारात्मक कार्य करना होना। एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है, यह इंगित करता है वह संवेगात्मक रूप से संतुलित नहीं है। NCERT 2005 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह NCERT द्वारा तैयार किया गया एक दस्तावेज है जो भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में संस्तुतियाँ प्रस्तुत करता है। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियाँ डैट की डैश की ओर संकेत करती हैं, वे कैसे सीखते हैं? एक बच्चा डैश से ग्रस्त है, वह सा को बाद न्यूक्लियर को न्यूक्लियर में अंतर नहीं कर सकता, हो सकता है नहीं कर सकता, डिसलेक्सिया। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब हम बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाएं। कोलर वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए संगीत, कहानी कहने, नाटक, कला, शिल्प, खेल आदि जैसी गतिविधियों का संचालन प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? लिखना। एक शिक्षिका अपने आप कभी भी प्रश्न के उत्तर नहीं देती, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम डैश के सिद्धांत पर आधारित है, अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन। एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है और शारीरिक आयु 10 वर्ष है, उसका बुद्धि लब्धि अंक होगा 120। समेकित शिक्षा इंगित करती है सामान्य बच्चों एवं विभिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है आदर्श रूप से बर्ताव करके। राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को बाली दे देता है, यह दर्शाता लैंगिक पूर्वाग्रह। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? सभी की विकास दर समान नहीं होती। यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि नहीं लेते तो प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षण विधि बदल ले। व्यवहार का करना पक्ष डैश में आता है सीखने के गतिक क्षेत्र में। बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है विद्यार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारणा नीति। कक्षा एक में बच्चों में भाषा कौशल का विकास क्रम होना चाहिए, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। मानव व्यक्तिगत परिणाम है अनुवांशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया का। कक्षा एक और दो के बच्चे मूत्र अनुभव से सीखते हैं। शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। निम्नलिखित में से एक सामाजिक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सा गुण है? धैर्य और लगन। नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा परिवार। प्याजी के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? संवेदी प्रेरक चरण। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए सुगमकर्ता की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।